सेकंड का फर्स्ट में लिखा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्या लिखा? पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्या पॉइंट्स दिया? 7, -2, 5, 1, 3, 5. ओके, तो सेकंड का फर्स्ट में जो है 7, 2, 7, -2. दूसरा जो है 5, 1. नेक्स्ट जो है 3, 5, 3, 3. और कोलिनियर टू फाइंड के फाइंड करना. ओके, तो 7, -2, 5, 1, 3, k. ओके, तो अभी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है. ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है. ए पॉइंट लिख दिया, बी पॉइंट लिख दिया, सी पॉइंट ऐसे लिखा. इसका कोऑर्डिनेट हो गया 7, -2. इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5, 1. और इसका कोऑर्डिनेट हुआ 3, k. तो क्या हुआ? ए बी सी, ए बी एंड सी, सी आर कोलिनियर. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0. पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो उससे जो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0. ये बात क्लियर हो बेटा? यस और नो? पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा. ओके, जिसके डाउट था वो ठीक से सुनिएगा. ओके, गुड. उसके बाद मैं तुम लोगों को बताया था ये वाला x1 y1, x1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू -2, x2 का वैल्यूज 5, y2 का वैल्यूज 1, x3 का वैल्यूज 3, y3 का वैल्यूज k. ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं 7, -2, 5, 1, 3, k. एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है. ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ x1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इक्वल्स टू 0. यहां पे लाइन खींच दी, आई पुट कर दिया हाफ x1 के वैल्यू 7, y2 का वैल्यू 1, y3 के वैल्यू k, x2 का वैल्यू 5, y3 का वैल्यू k, 1 2 3 2 3 1 k, y1 के वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस, x3 का वैल्यू 3, y1 के वैल्यूज -2, y2 का वैल्यू -1, इक्वल्स टू 0. यहां तक क्लियर हुआ? यस और नो? यहां तक क्लियर हुआ? ओके, तो हाफ 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 -3 और -3 9 इक्वल टू 0. हाफ 7 और 19 17, ये वाला हो गया प्लस 1 और 7 8 -2k इक्वल टू 0. अब ये 2 इससे इंटू होगा तो 0 हो जाएगा. इस तरफ पे थोड़ा लिख देता हूँ. ये तो डायग्राम क्लियर हुआ था तुम लोग का. अभी देखो, हाफ
8 minus 2k equal to 0. 8 minus 2k equal to 0 into 2. It is into ho gaya. 8 minus 2k equal to 0. 8 equals to 2k. K equals to 4. तो बोला था find the value of k. Therefore, k equals to कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. बात क्लियर? Is it clear? ओके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना. K इक्वल्स टू 4. ओके गुड बहुत बढ़िया. इसका फोटो भी सेंड कर देते.